answer me, please. You can unmute yourself and answer me, please. Can you hear me or not? Yuvraj, Nabi, Jasti, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Start karein. Physics start karte hain. Are you excited? ठीक है तो physics में start करने के पहले आप अपने mathematical tools पढ़ाएंगे ठीक है प्लस वन के बीच जब फिजिक्स से शुरू करते हैं तो बेसिक अपन बहुत सारा मैथमेटिक्स है जो दोनों यूज होगा प्लस वन में प्लस टू में मैं पहले भी दस्या फिजिक्स से लिए अपन मैथ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ ही फिजिक्स की लैंग्वेज है ठीक है तो पहले आप जीरो चैप्टर से शुरू करेंगे दो तीन दिन जीरो चैप्टर से लगाएंगे देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर वन दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स तुसी बुक्स परचेज की थी ना Yes, no, ma'am. Then purchase your books. ठीक है and फिलहाल चलो zero chapter को start कर दें आज तो mathematical tools के बारे पढ़ेंगे के basics of math पढ़ेंगे ठीक है सब तो पहले तो mathematics की है physics की language है जो अपना physics में math भी बिच कर दें हमने तो बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा फिजिक्स में डिस्क्राइब करना उन्हें अंडरस्टैंड करना फिजिकल प्रिंसिपल्स में अप्लाई करना ठीक है जे अपने को ये गुड नॉलेज होगे मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स की या फिजिक्स की लैंग्वेज है जिस तरह मैथ में लिखने की लैंग्वेज नंबर्स में इंग्लिश है ना पर बाकी और असिस्टिंग आप इंग्लिश विच लिख रहे हैं जहाँ पंजाबी विच जहाँ हिंदी विच उस तरह फिजिक्स की लैंग्वेज भी होगी मैथ प्लस इंग्लिश इंग्लिश तो अपन लिख देंगे बट मैथमेटिक्स की है उधर नाम की हो गया फिजिक्स बहुत ज्यादा इजी हो गया उनको डिस्क्राइब करना अंडरस्टैंड करना फिजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना न्यूमेरिकल्स अपन ऑलवेज सॉल्व कर दिया है ना दैट बिकम सो इजी विद द मैथमेटिकल फॉर्मूलेस उसके बाद देखो फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन दसूगा वट इज की स्टेट करता सी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन Answer me, please. Answer do beta. Newton law of gravitation. Ninth class de vich padhya si. In chapter number 9, grav force and laws of motion de vich. Ki siga gravitational law. याद है जब भूल गए बिल्कुल यस और नो दोस्तों यस और नो युवराज और नॉट नो भूल गए बिल्कुल तो देखो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बीच अपन पढ़े हैं कि कोई भी बॉडी हो वे यूनिवर्स के बीच वो अट्रैक्ट कर दिया अदर बॉडी इन द यूनिवर्स है ना
the Newton law of gravitational state karta ki every body in this universe attracts other body hana with the force wo gravitational force wo in their force of attraction jehdi directly which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them mathematically apan likh de si gravitational force is directly proportional to m1 m2 being these two bodies the mass and r square is the square of distance between these two bodies so that it is square a mathematical form si gravitational law the proportionality sign attached to it equal to likh de si null constant as and si g g nu gravitational constant and this is the value this is 1.67 into 10 raised to power minus 11 newton meter square per kg square मुझे याद आया ग्रेविटेशनल लॉ के सी दो बॉडीज मानते सी कोई भी दो बॉडीज ने उनका कुछ मास आ या कुछ डिस्टेंस नाल सेपरेट करना नहीं उस टाइम जब आप उनके बीच की होगी अट्रैक्शन होगी तो जड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो की बनेगी डायरेक्ट उधर फॉर्मूला की बने ऐसी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास ऑफ टू दोनों बॉडीज के मासेज नु दोनों दे प्रोडक्ट नु है ना मासेज दे प्रोडक्ट नु द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी डिराइव हो गया न्यूटन ने नाम देता से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ आया सब क्लियर है याद भी आया मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम नो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ तो क्लियर है बिल्कुल सभी को नहीं आ रही या सिर्फ एक बच्चे को बताओ मुझे बेटा सभी को क्लियर नहीं आ रही मैं तो क्लियर आ रही हाँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम है अगर क्लियर नहीं आ रही एक आदमी को तो वो थोड़ी बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम होगी कोई नहीं ठीक है तो समझ आया युवराज इतना Yes, ma'am. याद भी आया हाँ जी मैम ठीक है तो मैथ की ऐसी ही टेक्निक्स जैसे कि अलजेब्रा पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं कैलकुलस पढ़ते हैं ग्राफ पढ़ते हैं लॉग पढ़ते हैं ये सभी क्या है प्रेडिक्शंस बना देते हैं है ना बेसिक इक्वेशन से तो बहुत सारी जगह पे यूजफुल है देखो ये अब मैथमेटिकल फॉर्म है लेकिन हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं और लॉ को हम अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो हमें कुछ इंग्लिश याद करने की जरूरत नहीं है यहीं से हम डेफिनेशन बना सकते हैं यूनिट्स बना सकते हैं फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर डिस्टेंस ना पता हो तो वो फोर्स गिवन हो तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एक बॉडी का मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से इनकी फोर्स के यूनिट फाइंड कर सकते हैं डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोर्स के क्या बनेंगे है ना मास के केजी बनेंगे डिस्टेंस के मीटर बनेंगे इसके क्या बन जाएंगे केजी स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर और फोर्स के जैसे क्या होते हैं न्यूटन लिखते हैं हम है ना तो ये सब कुछ हम मैथमेटिक्स से फिजिक्स को इजी कर रहे हैं उसके बाद अलजेब्रा के कुछ कॉमन फॉर्मूले हैं जो तुमने पहले भी किए हुए हैं लेकिन फिजिक्स में आर्टिकल्स में आगे हमारे यूज होते हैं तो इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं तो देखो अलजेब्रा के बीच पहला किया कॉमन फॉर्मूले ए प्लस बी होल स्क्वायर सभी को आता होगा ये ए माइनस बी होल स्क्वायर आते हैं ये सारे फॉर्मूले yes, ma'am. है ना तो ये सारे तुम्हें याद रखने तो ये अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं कुछ कॉमन फॉर्मूले हैं उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये पता है किसने किया है ये मैथ्स में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो यस मैम सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करना है ना जो इक्वेशन सेकंड डिग्री की होती है उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ठीक है ए क्या है यहाँ पे हमारे पास एक्स का कोफिशियंट है और बी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है और बी क्या है एक्स का कोफिशियंट है सी हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है ठीक है एक्स क्या है एक वेरिएबल है सी कॉन्स्टेंट है एक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट करनी है
ठीक है, अगर इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, ठीक है, एनी वैल्यू, अगर हम एक्स की कोई भी वैल्यू निकालेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक्स का रूट है. अगर टू वैल्यूज आ गई तो दोनों क्या हो गए, एक्स के रूट्स हो गए. थ्री वैल्यूज आ गई तो वो भी क्या हो गए, एक्स के रूट्स हो गए. तो रूट ऑफ इक्वेशन क्या है, एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, है ना. अगर जिसको यहाँ पे पुट करके ये इक्वल टू जीरो ही बने, है ना, इधर भी जीरो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, वही क्या होगा, इस इक्वेशन का रूट होगा. हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, टू एंड ओनली टू. ठीक है, अगर हमारे पास इक्वेशन सेकंड डिग्री की है तो उसके रूट्स टू ही बनेंगे, लेकिन अगर थर्ड डिग्री की है तो ए प्लस बी का होल क्यूब उसको खोलेंगे, है ना, तो वहां पे रूट थ्री और थ्री से ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने हैं, टू एंड ओनली टू रूट्स हैं. ये दोनों रूट सेम भी आ सकते हैं. मान लो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू, तो रूट्स क्या बन जाएंगे, माइनस टू और टू, है ना, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस टू एंड माइनस टू दोनों रूट बन जाएंगे इस इक्वेशन के, लेकिन दोनों क्या आ गए, सेम आ गए. लेकिन अगर ऐसी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, है ना, प्लस कुछ कोई कॉन्स्टेंट प्लस करके हमने रूट्स बनाए उसके, फिर उसके अलग अलग आ गए, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स था, तो क्या बन गए, थ्री और टू रूट बन गए, माइनस थ्री और माइनस टू, लेकिन वो क्या आ रहे हैं, इक्वल तो नहीं है लेकिन टू रूट्स आ गए. ठीक है, कोई रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं. रूट क्या होता है, वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करे उसको हम क्या बोलते हैं, रूट. वेरिएबल का मतलब है जो क्वांटिटी चेंज हो सकती है, कांस्टेंट का मतलब है जो क्वांटिटी फिक्स है ना. सी तो यहाँ पे सी की वैल्यू मान लो फाइव है तो फाइव ही रहेगी, लेकिन एक्स की वैल्यू, एक्स एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. नेक्स्ट है रूट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है फाइंड आउट करने का. तो कंसिडर कर लिया हमने की एक रूट अल्फा है इस इक्वेशन का, हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, और एक रूट क्या है, बीटा है. अगर अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स हैं तो ये वाला फॉर्मूला किया है चैप्टर में, मैथ्स में, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फिर अल्फा क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डिटरमिनेंट अपॉन टू ए. याद है जी, किया तुमने मैथ में या नहीं किया, टेल मी प्लीज. किया है मैम, किया है ना, ये माइनस बी प्लस माइनस, एक रूट प्लस के साथ निकल आएगा एक माइनस के, तो पहले हम डी फाइंड आउट करें. अगर तो इक्वेशन सिंपली सॉल्व हो गई, हमें मतलब पता चल रहा है कि कौन से दो नंबर्स को प्लस या माइनस करके और मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू आ रही है, फिर तो हम डायरेक्ट कर देते हैं. लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसी होती है क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू हमें पता नहीं चलती, वो इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं होते, तो उन केसेस में हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाते हैं. पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना, बी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए जो वैल्यू होती है फिर सी. फिर उसके बाद हम अल्फा बीटा रूट्स निकालते हैं दो स्टेप्स में, एक बार माइनस बी प्लस रूट ऑफ डी करके, एक बार माइनस बी माइनस रूट ऑफ डी, ये डी की वैल्यू भी लिखी है स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन टू ए. ठीक है, फिर हमें रूट्स की वैल्यू पता चल जाती है किसी भी इक्वेशन के लिए. जनरल भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसका माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और ए की जगह हम ए को क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सी, सी क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म. तो जनरली हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपॉन टू ए, ए फिर से क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है. क्लियर हुआ इतना सभी को, तो ये वाला कैसे लिख दिया, यस और नो बेटा, क्लियर है मैम, ठीक है. तो इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये तो था सिंपल, नहीं फिलहाल ये करते हैं सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये वाले फॉर्मूले भी किए होंगे तुमने मैथ्स में कि अगर दो रूट्स सम ऑफ रूट्स निकालना है तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ये बना कैसे है, ये ऊपर वाले से ही बना है. तो आज का तुम्हारा ये होमवर्क होगा, तुम क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करके देखोगे, अल्फा और बीटा इन दोनों की वैल्यूज को प्लस करना है, ठीक है, और एक बार माइनस करना है अल्फा
माइनस बीटा, और एक बार दोनों का प्रोडक्ट करना है अल्फा इंटू बीटा, तो जब प्लस करोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, जब माइनस करोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, उसको सॉल्व करके जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, वही क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स, आप ये सभी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बनेगा आंसर जब तुम कैलकुलेट करोगे, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, सी अपॉन ए, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए। ये तुमने रफ नोटबुक पे करके देखना है कि कैसे बनी है, अल्फा प्लस बीटा को प्लस करके, एक बार प्रोडक्ट करके, एक बार सब्ट्रैक्ट करके, अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, मैं ग्रुप में डालूंगी, ये तुमने सॉल्व करनी है, फोर इक्वेशंस डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा के। ये नहीं सोचना कि ये तो हमें आता है, मैथ्स है, बिल्कुल इजी है, मैं प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फास्टेस्ट हो जाएगा, बिकॉज ये सभी फिजिक्स में जब हम यूज करते हैं तो बहुत फास्टेस्टली करते हैं, अभी हमें बेसिक्स पढ़ने जरूरी है, तो इसीलिए मैंने ये लिखा। देखो एक क्वेश्चन एक करके दिखाया हुआ है सॉल्व कैसे करना है, तो इससे तुम पहले इसको करके देखोगे, फिर ये वाली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करोगे फोर। ठीक है, तो सॉल्व कैसे किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे वन, बी की वैल्यू कितनी है वन, कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है माइनस टू। अब हमें क्या करना था, रूट फाइंड करना था, तो हमें फॉर्मूला पता था एक्स को वेरिएबल को रूट को फाइंड करने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इज अपॉन टू। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है वन, आगे क्या था यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ बी की वैल्यू फिर से वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन माइनस फोर, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू माइनस टू अपॉन टू, ए की वैल्यू कितनी आ गई वन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस वन प्लस एट कितना आ गया नाइन, नाइन का स्क्वायर रूट कितना होता है थ्री, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन गया माइनस वन प्लस माइनस थ्री अपॉन टू। अब दो लिख सकते हो, एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस, जब प्लस करोगे तो टू अपॉन टू उसका क्या बन जाएगा वन, जब माइनस करोगे तो माइनस फोर अपॉन टू उसका क्या बन जाएगा माइनस टू। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या आ गए वन एंड माइनस टू। समझ आ गया ये क्वेश्चन सभी को? यस मैम। ठीक है, तो ये फोर तुम्हारी, मैं नोट्स भेज दूंगी तुम्हें ग्रुप में, तो करना स्टार्ट कर देना, नोटबुक लगा लेना फिजिक्स की। ठीक है, ये प्रैक्टिस फोर प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर ले। नेक्स्ट है बायनोमियल थ्योरम। तो देखो अभी तक तो हमने कितनी बार, मैंने ऊपर कौन कौन से तुम्हें अलजेब्रा के फॉर्मूले बताए हैं, ए प्लस बी का रिप्रोडक्शन है, क्या इथीन, ईथर से ETHERS। देखो हमने अलजेब्रा के अभी तक तुमने 10 तक की क्लासेस में यही वाले किए, फोर पावर का किया तुमने, जो 3 तक ही किए हैं बस, ए प्लस बी की पावर 2 का किया है, 2 का किया है, 3 का किया है, 4 5 6 7 का किया है किसी ने? नो मैम, या नहीं ना। तो अगर इससे ज्यादा पावर हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर का आगे फिर से स्क्वायर कर दें इसका, है ना, फिर सॉल्व कर लें, फिर आगे आगे फॉर्मूले लगाएं, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन, बहुत टाइम लगेगा उसको करने में, तो उसके लिए हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, जो कि बाइनोमियल थ्योरम ये होती है एक्स प्लस ए रेज टू पावर एन, एन से जीरो, एक्स एन ए जीरो। ये प्लस वन में तुम्हें पूरा चैप्टर आएगा मैथ में, बाइनोमियल का 7th चैप्टर है तुम्हारा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल, वहां पर तुम मैथ्स में प्रॉपरली करोगे। यहाँ पे हम सिर्फ स्टेटमेंट करते हैं कि बाइनोमियल का क्या है, कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी पावर हो, है ना, टू नंबर से प्लस बी, तो वैसे एक्सपेंशन को हमने सॉल्व करना, और सिर्फ 10 ही नहीं, 1 टू 3 ही नहीं, अगर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, मान लो 1/2 है, 1.5 है, है ना, कुछ भी हो, तो देखो इफ n कोई भी नंबर है हमारे पास, n क्या है हमारा, ये पावर जो 10 लिखी है मैंने, n कोई भी नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, और x क्या हो, कोई भी रियल नंबर हो, सच दैट x की वैल्यू लेस देन 1 हो, x लाइक करे माइनस 1 और 1 के बीच,
देन बाइनोमियल थ्योरम पे अकॉर्डिंग बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है 1 plus x के होल पावर n, ठीक है। x क्या है हमारे पास, कुछ भी है, माइनस वन और वन। कोई तुम्हारा समझाया, समझ नहीं आया? हाँ हाँ समझा रही। देखो बाइनोमियल थ्योरम किया सबसे पहले तो कि अपने को ले अगर कोई बड़ा एक्सपेंशन हो गए 2 तो बड़िया पावर सो 3 तो 4 5 6 है ना टू सो ऑन, तो उन सॉल्व करने के लिए अपन को इजी वाली एक थ्योरम बनाई गई है जेडी अपन यूज करके ज्यादा बड़िया पावर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, फार्मूला है एक सॉल्व करने का, ठीक है। सेकंड थिंग की है के दे विच जेडी पावर आ वो जो होती है अपन कितना से सिर्फ a plus b का होल स्क्वायर या फिर a plus b का होल क्यूब 2 3 या फिर सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही ले रहे से ना पावर दे विच बाइनोमियल दे विच किया कि अपने को ये भी तो हो सकता है कि पावर नेगेटिव हो गए या फ्रैक्शन हो गए कोई है ना जब पॉजिटिव हो गए जब कोई रियल नंबर हो गए तो वो वाले ये दे विच किया अपन मतलब किसे नु भी एक्सटेंड कर सकते हैं कोई भी बाइनोमियल इक्वेशन जिसके अपने को ले 2 नंबर्स में जिन्हें प्लस कितना होया या माइनस कितना होया तो इसकी जड़ी पावर है वो चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है चाहे फ्रैक्शन है, ठीक है। तो जो इतने एक बन है इतने ए प्लस बी होगा वैसे फॉर्मूले के बीच ए प्लस बी लगा लो इतने मतलब ए वाली थ्योरम के बीच ए की जगह पे अपन सपोज कर लिया कि ए की वैल्यू कितनी है 1 ते ए एक्स है एक्स कोई भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ए वाले फॉर्मूले के लिए मान लो लेस देन 1 है, ठीक है। तो फॉर्मूला की है अपने को बाइनोमियल थ्योरम का 1 प्लस एन एक्स एन की हो गया एक्स नाल मल्टीप्लाई फिर n n minus 1 upon 2 देखो मैं इतने 2 दे नाल भी लाया exclamation का sign जो exclamation का sign है ये होता factorial ये भी तो सी मैथ्स के बीच permutation combination properly पढ़ेंगे बट मैं इतनी दस दिया तो नहीं होता कि जे लिखा हो मेरे थे n की value हो गई 2 factorial है ना factorial को solve करने का formula जो होता है वो होता है n multiply by n minus 1 जे किते भी अपने को ले किसी भी नंबर दे नाल ते टेक्स्ट दिख रहा है ना तो n factorial is equal to n n minus 1 सभी को शो हो रहा है ये टेक्स्ट यस और नो यस मैम तो ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया है मैंने एन के साथ उसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं मैथ में, ठीक है। और एन फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्या होता है एन एन माइनस वन एन की वैल्यू कोई भी नंबर एन को मान लो 2 पुट कर दिया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई किया 2 को 2 माइनस 1 तो 1 हो गया 2 इंटू 1 कितना आ गया 1 आंसर। मान लो यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, ठीक है 4 फैक्टोरियल सपोज कर लो इसको रेज करते हैं ना मान लो 4 फैक्टोरियल है तो अब इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 4 इनटू हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 1 क्लोज है ना तो वैल्यू हमारे पास आंसर क्या बन रहा है इसका 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आंसर कितना बन गया इसका 12। तो ये है फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका, समझ आया सभी को?
यस मैम ठीक है, तो किसी भी नंबर के साथ अगर एक्सक्लेमेशन का साइन लिखा है तो उस एक्सक्लेमेशन के साइन को हम फैक्टोरियल बोलते हैं इन मैथमेटिक्स। ये फैक्टोरियल का डिनोशन है, डिनोट कैसे करते हैं फैक्टोरियल को। और अगर वहां पे हम उसका फॉर्मूला, सो एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है एन माइनस वन, जितना बड़ा नंबर उतनी वैल्यू ज्यादा आपकी जाएगी। देखो अगर यहाँ पे टेन फैक्टोरियल होता है तो टेन फैक्टोरियल के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन फैक्टोरियल फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू, हमारे पास बन जाएगा टेन, टेन के साथ एन आ गया फिर एन माइनस वन, तो वो क्या आ गया टेन माइनस वन या फिर टू, तो ये क्या बन रहा है टेन इंटू नाइन, है ना। तो आंसर कितना आ गया हमारा 90। तो ऐसे होता है फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका। और बाइनोमियल थ्योरम का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे टू फैक्टोरियल है, यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल, और हाँ मेन चीज ये आगे आगे तक चलता रहेगा वन तक। मैंने ऐसे लिख दिया टेन इंटू नाइन, तब तक लिखते जाएंगे हम उसको, तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे नंबर को जब तक हमारे पास, जैसे मान लो थ्री फैक्टोरियल है तो थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू पहले तो थ्री, थ्री माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया टू, तो इसके बाद नेक्स्ट जब तक हमारे पास लास्ट नंबर वन नहीं आ जाता तो इसका आंसर आएगा सिक्स। उसी तरह अगर हम फोर फैक्टोरियल ले रहे थे तो उसको भी हम फोर को भी तब तक सॉल्व करेंगे जब तक वन नहीं आता। फोर में से पहले तो फोर आ गया एन, फिर एन माइनस वन कितना आ गया थ्री, फिर एन माइनस वन कितना आ गया टू, फिर एन माइनस वन कितना आ गया आगे आगे माइनस करते गए, है ना, तो वो कितना बन गया वन। तो ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर इंटू थ्री इंटू टू, मतलब हमने वन तक चलना होता है। जब टू फैक्टोरियल था तो सिंपल था टू इंटू वन, जब टेन फैक्टोरियल है तो उसकी वैल्यू टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, मतलब सभी नंबर्स को आगे तक मल्टीप्लाई करना है। अंडरस्टैंड? यस मैम। तो अभी ये बाइनोमियल का फॉर्मूला है, बाइनोमियल का फॉर्मूला ऐसे होता है, और फैक्टोरियल बाइनोमियल को सीखने से पहले हम फैक्टोरियल सीख लेते हैं। देखो टू फैक्टोरियल टू इंटू वन टू आ गया, थ्री फैक्टोरियल थ्री इंटू टू इंटू वन सिक्स आ गया, फोर फैक्टोरियल फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ट्वेंटी फोर बन गया, मल्टीप्लाई करके फोर से ट्वेंटी फोर, फाइव फैक्टोरियल का वन ट्वेंटी बन जाएगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। और एन फैक्टोरियल क्या है हमारे पास, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, मैंने पहले गलती से सिर्फ इतना ही बता दिया ठीक है, तो ये वन तक लेके जाना है हमने, एन माइनस टू अप टू सो ऑन थ्री इंटू टू इंटू वन, वो मैं टू फैक्टोरियल को ध्यान में रख के चल रही थी। तो ये क्या है एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला। अंडरस्टैंड? यस मैम। क्या ये वाला समझ आ गया सभी को यहाँ तक? तो बस आज के लिए इतना ही, बाइनोमियल को आगे कल करेंगे। अटेंडेंस बोल लो, कौन कौन है प्रेजेंट, नाम बोलना। युवराज मैम मैं ही अकेला, बस कुछ एक और बच्चा आया था जो चले गया, तो मैं ग्रुप में तुम्हें भेज दूंगी ठीक है, लिखना कहाँ से है कैसे कैसे लिखना है, तो यहाँ तक भेजूंगी आज का काम ठीक है, तो और वो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लेना इतना। और बुक तो युवराज तेरे पास तो होगी मानसिक की बुक, तो उससे पढ़ना जीरो चैप्टर फिजिक्स का प्लस वन की बुक से। ओके मैम ठीक है, ओके यू कैन लीव नाउ।